ये लेटेस्ट है। क्या कर रही है? कुछ नहीं किया मैंने। पेन से कुछ लिख रही थी ना? बच गई तू। तूने अगर कुछ भी लिखने की कोशिश की ना तो ध्यान रखियो, तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ। वो तो अच्छा है, वो शायद पेन नहीं चला है। और तू कुछ लिखने वाली थी ना? नहीं, कुछ नहीं करा मैंने। शांत करो। हाँ, भैया सर पैक करानी है क्या? नहीं नहीं, वो थोड़ा मेरे को अर्जेंट जाना है, अभी नहीं चाहिए, मैं बाद में आता हूँ फिर। सर मैंने कुछ डिजाइन मंगा रखे हैं, एक मिनट में डायरी देखता हूँ सर। अरे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर रुक जाइए। हेल्प, इस लड़की को हेल्प की जरूरत है, उसको देख के भी लग रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, इनको बातों में लगा के जल्दी से पुलिस को बुलाता हूँ। सर आप दो मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ सर। अरे नहीं, मेरे को ये पसंद आ गई, आप ये पैक कर दीजिए। सर जो मैं डिजाइन आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो पक्का आपको पसंद आ जाएगी सर। बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन है सर, मैं अभी लेके आता हूँ, दूसरे वाले शोरूम में जाता हूँ सर। थैंक यू, दो मिनट सर। अबे ओए, ये गेट क्यों लगा रहा है? गेट खोल। ये गेट क्यों लॉक कर गया? तुझे कुछ बोला है ना उससे? चुपचाप बता दे, उसी में तेरी भलाई है, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं तो आपके साथ में ही खड़ी हुई थी। फिर ये लॉक करके क्यों गया? मुझे नहीं पता, प्लीज छोड़ो मत। इधर चुपचाप यहाँ बैठ, मैं देखता हूँ क्या लफड़ा है। कहाँ गया? अरे खोल, कहाँ गया ये? छोड़ूंगा नहीं मैं इसे आज। हेलो पुलिस स्टेशन सर, मेरे शोरूम में ना दो कस्टमर आए हैं, एक लेडीज को ना हेल्प की जरूरत है सर। हाँ सर, प्लीज आप जल्दी आ जाइए सर, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है सर। जी गुप्ता ज्वेलर्स, थैंक यू सर। चुपचाप शांति से बैठ रहे, वरना तेरे साथ जो होगा ना। पुलिस, पुलिस तू लेके आया ना पुलिस को? अबे ओए क्या कर रहा था इस लड़की के साथ तू? सर ये मेरी बहन है, इसे ना पागलपन के दौड़ा पड़ते हैं, इस वजह से मैं इसे लेके जा रहा था। कौन से दौरे पड़ते हो कौन से नहीं, वो मैंने अच्छी तरीके से अपने कानों से सुन लिया है। इस लड़की को कहां से उठा के लाया, जल्दी बता। सर मैं बताती हूँ आपको सर, ये ना ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू मुझसे मिला था, और इसने मुझे यहाँ पर बुलाया था ये बोलकर कि मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवाऊंगा। बट सर यहाँ के मुझे पता चला कि ये लड़कियों से शादी करके उनका मिसयूज करके उनको बेच देता है, क्योंकि सर इसके पास में जो क्लाइंट आते हैं ना उनको शादीशुदा लड़की चाहिए होती है गलत काम करने के लिए, ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उन्हें ये लगे कि भाई वो अपने पति से ही हुए होंगे। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे मैडम आप तो इतने मॉडर्न लग रहे हो, उसके बाद भी आप खबरें नहीं पड़ती हो, कितने प्रोडक्ट के साथ फ्रॉड हो रहा है। प्रोडक्ट छोड़ो, इंसानों की स्मगलिंग तक हो रही है ऑनलाइन, और आप उसके बाद भी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे इससे बात करके यहाँ तक मिलने के लिए आ गए, और आप तो शादीशुदा हो ना, उसके बाद भी आप अपने हस्बैंड को धोखा दे रहे थे। सर नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ सर, सर ये मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था सर। सर प्लीज हाँ मुझे मेरे घर तक पहुंचा दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और आज के बाद मैं ऑनलाइन डेटिंग की तरफ देखूंगी भी नहीं मुड़के। पर सर प्लीज हेल्प मी। मैडम वो तो आप टेंशन मत लो, हम आपको आपके घर तक पहुंचाएंगे। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि किसी पे भी ना इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जितने भी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे लोग मिलते हैं ना, वो सब आपके लिए अजनबी हैं, और आप अजनबियों पे इतनी जल्दी विश्वास कर लोगे तो कैसे काम चलेगा? अनुज अरेस्ट करो इसे। सर कुछ ले रहे कि मैटर को रफा दफा कीजिए, मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा। अबे ओए अपने पैसे ना अपने पासवर्ड, अब थाने में ले जाके जो तेरी तुड़ाई करूंगा ना, उसके बाद ये ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे जितनी भी तू लड़कियां फंसाता है ना, उन सबको फंसाना भूल जाएगा, और जितनी भी लड़कियों की तूने जिंदगी खराब करी है ना, अब वो सारी लड़कियां वापस आएंगी। अनुज लेकर चलो, अब तुड़ाई पे नंबर लगाओ उसका। थैंक यू सो मच भैया, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो पेन तो काम ही नहीं कर रहा था जब मैंने वहां पे हेल्प लिखा था, फिर आपको पता कैसे चला कि मुझे मदद की जरूरत है? मैडम भले वो पेन काम नहीं कर रहा था, लेकिन उस डायरी के नीचे कार्बन पेपर लगा था, जो आपने लिखा ना साफ साफ आ गया, ये देखिए। थैंक यू सो मच भैया, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता, वो मुझसे जबरदस्ती शादी कर लेता और उसके बाद मुझे बेच देता। मैं आपके एहसान मंद रहूंगी जिंदगी भर। कोई बात नहीं मैडम, आगे से ध्यान रखिए, सर जो बोल रहे हैं उन चीजों को फॉलो भी करिए। चलो मैडम मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। जी सर। चलिए।